मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो मेरे देश की धरती, वो मेरे देश की धरती। पंजाब का स्पेशल दाल मखनी बनाया आज, बड़ा मज़ेदार बना था। मैंने सिर्फ वीडियो शूट किया, उसे बुलाया मेरे पार्टनर ने। मुझे खाने का शौक ही नहीं है, ऐसे बनाने का शौक है। तो चलो मज़ेदार से दाल मखनी का रेसिपी देखते हैं। बीच बीच में वो मुझे बता भी रहते हैं कैसे बनता है, कैसे करते हैं। तो मैं देख रही हूँ, खा रही हूँ, सीख रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं भी बनाऊँगी। फिलहाल तो आप रेसिपी देख और इन्जॉय करो। दाल जब उबल जाए और उसके ऊपर से ऐसे वाइट वाइट जैसा निकलने लगे, उसे निकाल के फेंक देना है। इससे क्या होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होता। कोई भी दाल बनाओ तो उस वक्त ये करना चाहिए। और फिर यहाँ पे चॉप किया हुआ गार्लिक और जो पानी था वो ऐड किया। बीच बीच में मक्खन डाला। दाल मखनी नाम है भाई। अच्छे से पक जाए तब इसमें नमक डालेंगे, टर्मरिक पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। फिर से थोड़ी देर पकाएंगे और ढक ढक के पकाएंगे ताकि अच्छे से पकड़े। तकरीबन डेढ़ घंटा इतना लगा है हमें इसे पकाने में। राजमा को अलग से मैंने उबाल लिया था, फिर उसमें ऐड किया है। और मक्खन घी इसमें चौक लगाए तो मज़ा ही अलग है। हालांकि पहले घी में चौक लगा रहे हैं, पर इसमें मैंने जीरा यूज़ किया है। साबुत, 3 कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है, 3 जगह गार्लिक पेस्ट यूज़ किया है, चॉप गार्लिक भी दिया है। और मैंने यह ना टमाटो प्यूरी भी यूज़ किया है हाफ कप जितना, जो कि मैं शूट करना भूल गई, वेरी सॉरी। एनीवेज आप ज़रूर डाल लीजिएगा। फिर इसमें हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, देखिए अच्छे से सॉटेड करके। मैंने यहाँ दाल का पानी ही यूज़ किया है ताकि स्पाइसेस बना रहे। एंड अच्छे से सॉटेड करने के बाद दाल में छौंक लगा दिया। देखो अच्छा कलर आ गया ना, तो अभी से अच्छा कलर आ गया है। अभी तो और भी बाकी है भाई। देखिए अच्छे से कुक हो रखा है। ओके अब दूसरी छौंक की बारी है। घी मक्खन से भरपूर, थोड़ा सा घी, फिर उसमें थोड़ा सा मक्खन, थोड़ा सा चिमन सीड्स, थोड़ा सा जाएगा कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के सॉटेड करेंगे एंड दाल में छौंक देंगे। ना अच्छी खुशबू आ रही है भाई, गॉड। এটাতে মেনলি দুটো সম্ভব যাবে, বাট মিডিল স্টেটে তখন আদাতে আদা রসুন বাটা জিরা এই তরকাটা যাবে। লাস্টে যখন ডালের থিকনেস বা কনসিস্টেন্সি হয়ে আসবে তখন এটার মধ্যে কাশ্মীরি লাল আর কাশ্মীরি মেথির আর একটা তরকা যাবে। এটা গেলে মোটামুটি কমপ্লিট। এরপরে চাইলে আমরা একটু এর মধ্যে বাটার অ্যাড করতে পারি। বাটারটা ভালোই পরিমাণে যায়। মাখনি নামটা কেমন আছে? কিছুক্ষণ পর পর বাটার ইউজ করতে হবে, তাই তো?
अब इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे अलग से, छौंक में डाला था फिर ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिला लेंगे। लगभग हो गया इसका कंसिस्टेंसी, देखो कितना अच्छा बना है। अब इसमें हाफ कप कितना क्रीम ऐड करेंगे और फिर से थोड़ा सा मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए ढक के भी रखना है। देखिए कितना अच्छा आया ना, इसका कंसिस्टेंसी भी देखो बड़ा मज़ेदार बना है, खाने में तो बड़ा मज़ा आएगा। गरम गरम राइस के साथ आप इसको सर्व करो, या फिर पराठे, या फिर कुलचा के साथ, या फिर नान के साथ, जिसे भी अच्छा लगे। थोड़ा सा सलाद काट लिया, डेकोरेशन किया और तैयार। कौन सी कंट्री से आप देख रहे हो ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा मेरा आज का स्टेट चैलेंज ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।